गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर। वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नुपुर। तो फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि हम अपने शहर की बनी टीचर्स कॉलोनी का पूरा ब्लॉग दें। तो फ्रेंड्स, आज ये ब्लॉग हम लेके हाजिर हैं। और अभी हमको यहाँ पे भैया मिले। तो भैया का नाम बताइए। अंशु। अंशु। तो भैया जो है, अंशु भैया हम मेरी मदद करेंगे इस ब्लॉग को बनवाने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है। और अभी हम खड़े हैं इस कॉलोनी की सराई के पास खड़े हैं, जिसके देख सकते हैं पीछे। और फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे जो सराय देख रहे हो, ये जो है ये काफ़ी पुरानी है और इसमें बहुत से परिवार भी रहते हैं। दोनों ही कम्युनिटी के परिवार रहते हैं, हिंदू मुस्लिम के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो भैया और बताइए, इसमें कितने लोग परिवार होगा लगभग, मतलब कितनी फैमिली इसमें होगी? इसमें 25। दोनों ही कम्युनिटीज़ हिंदी? हाँ, दोनों 25 होंगे। अच्छा, चलिए फ्रेंड्स आपको अंदर लेके चलते हैं। फ्रेंड्स, हम सराय के अंदर आ चुके हैं और जिसे देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया काफ़ी पुराना प्राचीन है। और जिसे देख सकते हैं, और हम खुद यहाँ पे अब आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। फ्रेंड्स, अभी हम सराय के गेट पे खड़े हुए हैं और आपको ये बता दें, यहाँ पे मुझे भैया मिले जिनसे पूछे सराय जो है कितनी पुरानी है। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरि प्रसाद है जी। आप बताइए, सराय जो है कितनी पुरानी लगभग? ये मोर देन 350 ईयर्स 100। काफ़ी लंबा समय होता है। तो इसमें लगभग कितनी ऑलमोस्ट फैमिली रहती है? 120 के अप्रॉक्सीमेट फैमिली रहती हैं। और मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो लोग रहते हैं मॉर्मन कम्युनिटी के हैं। और यहाँ पे एक मतलब सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है ये। हमारी अकेली फैमिली हिंदू हैं, बाकी मतलब कभी इस टाइप का कुछ नहीं हुआ कि जैसे आजकल जो सांप्रदायिक माहौल एक फैलाने की कोशिश की जा रही है, वैसा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। और लगभग लगभग 350 साल पुरानी है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, यहाँ पर ये मुसाफिर खाना हुआ करता था। यहाँ पर आते थे लोग, स्टे करते थे और उसके बाद उनको जब परमिशन मिलती थी तब वो मेन सिटीज़ में जाते थे। और ये इससे पहले GF कॉलेज हॉस्टल था और यहाँ पर इनके कमरे थे रुकने के लिए, उनका
पूरी पूछताछ होती थी। ये सब जैसे पुराना राजा महाराजाओं के टाइम में चलता था वही हुआ करता था। चलिए धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपको हमने ये पूरी सराय घुमाई और आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। आप ये जो रास्ता देख रहे हो, गली देख रहे हो, ये सीधे जो बिस्मिल पार्क है, जो खिंडी बाग में रहा बिस्मिल पार्क बना हुआ है, ये सीधे उसी के सामने निकलता है। चलिए आपको लेके चलते हैं। अभी आप देख रहे हो ये पूरा गेट है और सामने खिंडी बाग में बना बिस्मिल पार्क आपको दिख रहा होगा, जिसका हमने व्लॉग आपको पहले भी दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको लोकेशन पहचान में आ रही है, जो लोग शाहजहांपुर से हैं तो वो लोग पहचान सकते हैं हम कहाँ पे खड़े हैं। सामने बिस्मिल पार्क है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहाँ से कहाँ ये रास्ता निकली है, ये गेट है और अभी हम लोग उधर टीचर्स कॉलोनी से एंटर किए थे और इस साइड को पीछे से निकले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं खिंडी बाग में बने जीएफ कॉलेज हॉस्टल के बाहर। जैसे कि मेरे पीछे देखते हैं वो मेन गेट है, तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। आपको आज का ये टीचर्स कॉलोनी सराय और जीएफ कॉलेज हॉस्टल का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और कौन कौन टीचर्स कॉलोनी या सराय या फिर इस हॉस्टल से देख रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और कमेंट्स में बताइए कौन कौन यहाँ से देख रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स, मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, चलिए इस ब्लॉग को भी हम यहीं पर एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।